आपके साथ मैं हूं अनुजा। राजस्थान में संसदीय सचिवों की नियुक्ति अटकने के मामले पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हमें सब कानून पता है, जब उन्हें बिना वेतन और बिना सुविधाओं के नियुक्तियां दे दी जाए तो लाभ का पद कैसे हो सकता है। हालांकि हमने अभी तक किसी संसदीय सचिवों की नियुक्तियों का कोई आदेश नहीं निकाला है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में मैं किसी को भी नियुक्ति कर सकता हूं और यह मेरी मर्जी है। सरकार की योजनाओं का किस तरह से क्रियान्वयन हो रहा है इसकी जानकारी लेने में कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान में मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद संसदीय सचिवों की नियुक्तियों पर कानूनी पेच अटक गया है। रविवार 21 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह के ठीक बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि वे अधिक से अधिक विधायकों को मुख्यमंत्री के सलाहकार, संसदीय चुनाव और विभिन्न वार्डों के चेयरमैन बनाकर एडजस्ट करेंगे, किसी को भी असंतुष्ट नहीं होने देंगे। लेकिन शपथ ग्रहण के 7 दिन बाद तक संसदीय सचिवों की नियुक्तियां नहीं हो पाई है। संसदीय सचिव मंत्री नहीं होते, लेकिन उन्हें मंत्री जैसी तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। इसका मतलब है कि उन्हें सरकारी मोटर विभाग से लग्जरी गाड़ी और अलग से बंगला, स्टाफ सहित कार्यालय और तमाम तरह की वे सुविधाएं जो मंत्रियों को मुहैया कराई जाती है, वे सभी संसदीय सचिवों को भी मुहैया कराई जाती है और इसी कारण संसदीय सचिवों का पद लाभ का पद माना जाता है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।